प्रदाहा अंतर्गत ग्राम सभा सारवा में इसमें मौजूद है और इसी रोड से गुजर रहे थे। देखा जाए कि यहाँ पे कुछ ग्राम सभा के लोग यहाँ पे मौजूद है, आने की कोशिश करते हैं। ग्राम सभा में कितना विकास हुआ है? विकास का मतलब कि एक मानसरोवर बना है, उसके बगल में कूड़ेदान का अमृत सरोवर बना है और स्कूलों पर व्यवस्था है, आरआरसी बनी है इधर, नाली खरंजा जैसे जहाँ जहाँ होती है थोड़ा मोड़ा जैसे जैसे बाकी है उसे काम चल रहा है, कुछ बाकी भी है, कुछ होगा भी, हो रहा है। हम प्रधान जी संतुष्ट हैं। अच्छा, इनके कामों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। पर देखा जाए आपके ग्राम सभा में जी एक अमृत सरोवर बनाया जाता है जी, तो किसकी क्या कंडीशन बना है? उसका तो हर हमको जहाँ भी देखे हैं उससे बहुत सुंदर बना है और गाँव में काफी समस्या रह जाती है रोड व नाली को लेकर। इसलिए विकास उसी का नहीं हुआ है जो रास्ते ही नहीं देगा नाली बनाने के लिए, और नहीं तो किसी के घर में रास्ता की कमी नहीं है, कहीं भी देख लीजिए हमारे गांव में घूमकर। कितना विकास के लिए गांव जी बहुत काम किए हैं। क्या काम नहीं, इंटरलॉकिंग किए हैं, नाली बनवाए हैं, जहाँ मिट्टी पानी लगता था वहाँ पानी मतलब मिट्टी गिरवा कर ऊंचा किए है, वहाँ पुलिया लगवा है, पटिया तमाम तरफ मतलब लगा है, लाइट भी लगा है, बड़ी लाइट भी लगा है, रविदास के मंदिर पर लगा है, कहीं रास्ते में लगा है, मतलब बाबा साहब के यहाँ और आरसीसी क्या नाम है ये। अच्छा, इसके पहले कौन प्रधान थे? इसके पहले तो बैद्यनाथ प्रधान थे। उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ? उनके कार्यकाल का विकास तो समझ में नहीं आया। बच्चे लाल जी तो उन्होंने विकास अच्छा किया ठीक, क्या उनके कामों से खुश हैं? कामों से तो खुश है ग्राम सभा के। काफी विरोध बच्चे लाल जी का, विरोध करने वाले तो और लोग उनके नहीं है जो लोग चाहते हैं कि विरोध हो, उनके भी तो लोग है राजनीति के तहत अपना कहने वाले। अच्छा, राजनीति के तहत वो लोग जो विरोध और क्या, तो मुस्लिम बस्ती का पानी जो है कि एक मुद्दा बना था कि हम बनवा देंगे, जब वोट आता था हम बनवा देंगे, बनवाते बनवाते चले गए सारे लोग, लास्ट में जाकर इन्होंने साहब को क्या कौन साहब है एसडीएम साहब आकर खड़े होकर और इन्होंने पूरा जस बीज लगाकर खुदवाया और पुलिया डलवाया। बच्चेलाल प्रधान ने जो है कि सब कुछ करवाया वहाँ का, यानी बच्चेलाल के कार्यों से आप खुश हैं? जी खुश हैं। सभा में क्या विकास हुआ है? इस ग्राम सभा में हमारे प्रधान जी ने बहुत विकास किया है। ये सामने जो है प्रमाण के तौर पर देखिए बड़ी लाइट है, पूरा जगमगाता हुआ है और चट्टी चौराहा पर जाके देखिए अंधेरा रहता था, एकदम से उजाला रहता है, लाइट रहती है तो, और जगह जगह जो है ये पटिया रखवाए हैं जो है कि सीमेंट का जो कुर्सी वाला जो आता है, और हर जगह पर मौके मौके पर रखवाए हैं जहाँ पर मतलब जनसमूह बैठता है रहता है वहाँ पर, और कूड़ादान जगह जगह बनवाए हैं, फिर पानी का सोख्ता बनवाए हैं, आवास बनवाए हैं जो मतलब मेरी निगाह में खड़ंजा बनवाए हैं, फिर बहुत बढ़िया मानसरोवर क्या बोलते हैं उसको अमृत सरोवर बनवाए हैं, और नाली जहाँ पे नहीं था वहाँ पे नाली भी बनवाए हैं, और पेंशन भी बहुत बनवाए हैं। और देखा जाए कि कुछ लोग काफी विरोध कर रहे हैं। अरे वैसे तो भगवान को लोग गाली देते हैं तो क्या किया जाएगा, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं लोग, राजनीति हर गांव में आप जान ही रहे हैं। अच्छा, राजनीति की वजह से लोग विरोध कर रहे हैं? एक दूसरे के विरोधी हर गांव में पाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विश्वनाथ। कहाँ जा रहे हैं? हम ड्यूटी से आ रहे हैं, जा रहे हैं घर। अच्छा, घर जा रहे हैं, इसी ग्राम सभा में जा रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, इस ग्राम कौन सा गाँव है ये? सरवा। यहाँ का विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। क्या कर लगवाए हैं? लाइट लगा है तो गांव में उजाला रहता है। हाँ, रहता हमेशा उजाला, हमेशा रहता है। जब लाइट रहती है तो रहता, लाइट रहती है तो रहता है। और क्या किए हैं? और मुस्लिम बस्ती का नाला खुदवा कर बनवाया है। अच्छा, नाला मतलब कि बहुत पहले से नाला? बहुत पहले से मुद्दा बना हुआ था कभी। अच्छा अच्छा, 10 बरसों से। तो चुनाव आता था तो लोग उसी को दिखाते थे, उसी को दिखाते थे, करते नहीं। अब तो नाला बन गया है। बन गया। कौन बनवाया नाला? ये बच्चेलाल प्रधान जी। बच्चेलाल प्रधान जी नाला नहीं बनवाए, उसको खुदवाए। अच्छा, पुलिया से डलवाए। अब समस्या दूर हो गया? अब दूर हो गया। मेरा नाम बच्चेलाल प्रधान शर्मा। सबसे पहले तो कायाकल्प के तहत मैं स्कूलों में जा करके टाइल लगवाया हूँ, सफाई करवाया हूँ। हमारे गांव में 3 प्रसिद्ध विद्यालय हैं, तीनों प्रसिद्ध विद्यालयों पर जा करके देख लीजिए, टाइल का काम करवाया हूँ, सुंदरीकरण करवाया हूँ, और यूरिन बनवाया हूँ, विकलांग शौचालय बनवाया हूँ, और झूला वगैरह भी लगवा दिया हूँ। फिर इसके बाद अब वहीं पर पंचायत भवन है, पंचायत भवन का भी सुंदरीकरण कराया गया है, जो दीवारें हैं बाउंड्री है, बाउंड्री की भी सर सफाई करके पूरा अच्छे तरह से लिखवा दिया गया है,
और इसके बाद मिट्टी का कार्य भी किया गया है, नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग आरआरसी अमृत सरोवर पुलिया पटिया लाइट कुर्सी ये तमाम काम हुए हैं, इंटरलॉकिंग सब सारे काम, डस्टबिन बनवाया गया है, खाद गड्ढा बनवाया गया है, फिर क्या नाम है कि स्कूलों पर बेंच कुर्सी दिया गया है, फिर सॉफ्ट किट बनवाया गया है जो सोख्ता बोला जाता है, तो अंबेडकर पुस्तकालय पर जा करके देखिए, टाइल का काम पंखा लगवाया हूँ, वायरिंग करवाया हूँ, लाइट लगवाया हूँ और बाउंड्री मार करके पूरा सड़क तक अंबेडकर जी की मूर्ति जो लगी है सड़क तक जा करके देखिए, पूरा इंटरलॉकिंग का काम करवाया हूँ। आपके सामने जब यहाँ से जाएंगे तो पुस्तकालय पर रुक करके अंबेडकर जी की मूर्ति के बगल में देख लीजिएगा कि पूरा लगा है कि नहीं लगा, फोटो भी बना लीजिएगा। देखा जाए कि आपके पहले जो है कौन कौन प्रधान थे, इसके पहले बैजनाथ पहलवान थे, वो 25 वर्ष के आसपास रहे, 25 या 30 वर्ष, और संजय सागर भी 10 साल रहे हैं। तो उन लोगों के कार्यकाल में विकास कार्य और आपके कार्यकाल में तो ये अब जैसे पुलिया पटिया लाइट कुर्सी मैं तो उन लोगों की प्रधानी में कभी नहीं देखा, ठीक है। और रह गई बात नाली खड़ंजा की, तो कहीं बैजनाथ पहलवान ने कहीं कहीं किया है, अपने तरफ आरआरसी का काम ज्यादा किए हैं, वो उस टाइम अंबेडकर ग्राम घोषित हुआ था, तो उस टाइम अंबेडकर ग्राम जब घोषित हुआ था आरआरसी का काम, आरआरसी कर रहा हूँ, आरसीसी का काम बहुत ज्यादा करवाए हैं, अपने तरफ करवाए हैं। यानी उनका भी, पूर्व प्रधान का भी काफी यहाँ पे जो चर्चा बना हुआ है और आपके कार्यकाल में